आज हम लोग का day 2 है ट्रिप का। हम लोग ने अभी ये होटल बुक किया, रिसोर्ट है, तो हम लोग रुकेगा अभी 2 दिन या 3 दिन जैसा। ये हम लोग का रूम है ऊपर का, ऊपर है ये रूम हमारा। और ये रिसोर्ट का व्यू है, यहाँ पर पार्किंग, गार्डन, पार्किंग, यहाँ पर लॉन्च है, झूला है, उसमें सेल्फी पॉइंट भी है। इस टाइम पीछे पूल भी है, टेलीफोन इतना कोई यूज नहीं किया, झाड़ उग गया टेलीफोन। व्यू का मस्त है, जंगल में सब कुछ, होटल भी जंगल में। ये पूल है हमारा होटल में, पीछे बैठने के लिए, पार्टी करने के लिए प्लेस है। उनका पूरी का व्यू है घर का। मंडाल उनकी और अभी आज जाएंगे घूमने के लिए बाहर, फिर शाम में आके देखते हैं पूल में। चलो अभी day 2 का प्लान ये है हम लोग का कि हम लोग ने अभी गाड़ी मंगाए है, गाड़ी आई तो उससे हम लोग घूमने। यहाँ पर कुछ पॉइंट है देखने के लिए अलग अलग, देखते हैं वहाँ जाके। और चलो देखते, गाड़ी आने का वेट करें, गाड़ी आने तो फिर निकलते हैं। हम लोग की गाड़ी आ गई है, हमारी गाड़ी है, तो हम लोग 9 जन बैठ के जाने वाले, आगे 2, पीछे 3, फिर एकदम पीछे में 4 लोग। और ये चलो हम लोग निकल रहे, लेट्स बिगिन। पीछे बैठ जाएगा, नीचे रखो ना पैर के। अच्छा है ना, पैर तो नीचे सोना है, पीछे कंफर्टेबल है ना। हां आराम है एकदम। 1 मिनट सब पॉइंट है, यहाँ से व्यू है समुंदर का। और ये रिसोर्ट में हम लोग तो व्यू देखते हैं, पहाड़ है, ये पूरा समुंदर है। और ये रिसोर्ट है, और पीछे सारा पहाड़। तो हम लोग अभी आ गए हमारे दूसरा पॉइंट देखने के लिए, बीच पे, रत्नागिरी का बीच, गुहा। बीच का नाम पता नहीं क्यों क्या है, शाहरुख खान मिले हमको बीच पे। व्यू देखो बीच का, देखो कोई नहीं है बीच पे हमारे सिवा। लोकेशन देखो बीच का, पहाड़ है, बाकी सब तरफ और सामने बीच। निशान है लोकेशन देखो, क्या सुपर लोकेशन है। चलते आगे देखते हैं। और पैर ढस रहे इसमें चलने, इंशाल्लाह। बीच का नाम पता चल गया हमको, रोहिला बीच है ये बीच का नाम। रोहिली। ये पानी आ रहा है। लोग यहाँ खड़े हुए, मिहिर एंड नीलेश, सबका फोटो सेशन चल रहा है अलग अलग तरीके से। बॉटम एंगल ले रहा है। कोई नहीं है बीच पे, शांत जगह एकदम। ये पैर डस रहा है इसमें अंदर है। रील्स बन रही है यहाँ, देखिए रील्स देखो खाली। आगे एक और बीच पे, ये कोई हैदवी गांव है उसका बीच है। बीच देखो, आगे पहाड़ है, ये बीच है। यहाँ पर वाइट रहते हैं, काली रहती है, और ये उसका लुक है। सब पहाड़ से लग के ही बीच है यहाँ पर। जा रहे हैं फोटो खिंचाने रेत में, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं। आगे कोई पॉइंट है जहाँ से पानी अंदर जाता है खाड़ी में, अंदर से खाड़ी जो भी आगे वो पॉइंट है वो देखने के लिए देखते हैं। यहाँ पर ये टाइम पे आना चाहिए, जो टाइम है फिक्स, क्योंकि वो अगर भर्ती का टाइम रहेगा, जब पानी भरता है ये सब पानी में रहता है, तो वहाँ जा नहीं पाएंगे। जब 1 घंटे का टाइम हम लोग के पास, 1 घंटे के अंदर जाके आना है। या तो 1 घंटे का पानी भर जाएगा तो फिर हम लोग वहीं अटक जाएंगे, जो रात में पानी खाली होएगा, रात तक वहीं रुकना पड़ेगा। है इसमें समुद्र का पानी आता है, जब ज़्यादा भरती रहती है तो ऊपर तक आता है और फिर वो रिक्स हो जाता है। तो ये नीचे गिरने के चांस हो जाता है। ओ भैया नहीं रे भाई, तुम्हारे वजह से मैं जाएंगा ना नीचे। आगे नहीं जाऊँ मैं, उधर जाओ, ऊपर ऊपर जाओ, उधर सेफ है, उधर तो खड़ा रह सकता है। इधर बैठने को जगह नहीं, रिस्की है एकदम। अगर कोई गिर गया तो उसमें फंस जाएगा। और भरती रहती है, पानी पूरा ऊपर तक भरता है, तो आ नहीं सकते। इसके लिए हमें फटाफट ये टाइम पर और इसके लिए तो आगे मैं इसमें फंस जाऊँगा, मैं ऊपर ही। तो भीगेंगे ही ज़्यादा, अंदर नहीं जाऊँगा मैं। ये दूरी रख रहे। तो चलिए यहाँ के नज़ारे के मजे लेते हुए हम लोग निकल रहे दूसरी जगह देखते जाके, क्योंकि अभी भर्ती चालू हो जाएगी, पानी भरने लगा तो हम लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे वापस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। नीलेश हमारे साथ है, नमस्कार। का भी लंच ब्रेक हुआ है, वो गाना ऊपर लंच ब्रेक में हम लोग होटल में रुके, पहले से बुक थी हम लोग की होटल खाने के लिए कि हमको यही खाना खाना है। तो मेन्यू ऑर्डर दे दिया था हम लोगों ने। हम लोग यहाँ फिश बहुत फेमस है यहाँ की, सूरमई और फिश। ये किचन है होटल का, फोन करके ऑर्डर दे दिया था हम लोग ड्राइवर ने होटल का। हमने सूरमई बांगड़ा की थाली मंगाई और एक वेज थाली है, वेज खाने वाले। राइस ये देखो बुक्कर, देखते हैं आगे हम लोग की सुरमई थाली, जिसमें दो सुरमई मच्छी है, उसका ग्रेवी है, थाली है, ये है, ये है। अच्छा तुम बोले सुरमई थाली टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। भाई टेस्ट करिए और बताइए कैसा है सुरमई थाली के बारे में। ले लो इसमें से एक चपाती ले लो, ले लो चपाती अच्छी है, देखते भी खाते हैं। और ये वेज थाली है सर की। चलो खा के देखते कैसे। वैसे इसने दिया तो फीडबैक काफ़ी अच्छी है, मैं भी ट्राई करता हूँ कैसी है। शुरू में बहुत टेस्टी है।